सो मैटलिक करेक्टर की जो मैं बात करती हूँ मेटेलिक करेक्टर बेसिकली होता है कि टेंडेंसी होती है एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की राइट right. फाइन सो so, जो जितना ज्यादा रेडली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसका मेटेलिक करेक्टर क्या होता है अच्छा होता है फाइन कहने का मतलब है अगर ये एक एटम है ये उसका nucleus है, ये न्यूक्लियस है हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे राइट right? हमेशा इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है या गेन हो रहा है वो हमेशा बैलेंस होता है अगर ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा लूजली बाउंडेड होगा न्यूक्लियस से उतना ईजिली निकल जाएगा मतलब मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा सो so, एक कहने का मतलब है, और ये इलेक्ट्रॉन कब लूजली बाउंड होगा न्यूक्लियस से जब उसका साइज क्या होगा इंक्रीज करेगा साइज इंक्रीज करेगा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा राइट सो इन शॉर्ट साइज से आपका मेटेलिक करेक्टर जो है वो डायरेक्ट

और फिर मेरे पास कौन बचा बोरोन और एलुमिनियम ये ग्रुप थर्टीन में आ जाते हैं आपके लाइक दिस सो देखो मेरे पास एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हो गए मैग्नीशियम को देखना है मुझे पोटेशियम को बोरोन और एलुमिनियम को फाइन अब मैं यहाँ साफ आपसा देख सकती हूँ कि साइज जितना ज्यादा बड़ा मेटेलिक करेक्टर उतना ज्यादा एल्कली मेटल्स का साइज ग्रुप वन वाले जो होते हैं वो एल्कि मेटल्स होते हैं उनका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है सो so, पोटेशियम का सबसे ज्यादा होगा सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है सो पोटेशियम का सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा अब अक्रॉस द पीरियड जब मैं मूव करती हूँ

आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर